वर्ष पुराने अंधे कत्लकांड इंदौर जिले की बेठमा पुलिस ने आखिर में खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार वर्ष 2016 में ग्राम रंगवासा में सरदार सिंह भील की हत्या हुई थी। पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्राम रंगवासा के आसपास के क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश था व आम जनता के अंदर भय व्याप्त था। ग्राम रंगवासा के दीपक पिता हरि सिंह जाति राजपूत व त्रिलोक चंद पिता दयाराम जाति कलोता को पकड़कर पूछताछ करने पर खुलासा हुआ कि उक्त दोनों आरोपियों ने घटना के दिन ग्राम रंगवासा के चंद्रशेखर जोशी के खेत पर बनी टापरी में खेत की रखवाली करने के लिए नौकर सरदार सिंह भील की पत्थर से सर व चेहरे पर वार कर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि देपालपुर तहसील के इस मामले में खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5,000 का नगद इनाम की घोषणा की गई थी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बेठमा थाना के ग्राम रंगवासा में एक खेत पर जो चंद्रशेखर जोशी जी का खेत था, वहाँ पर वर्ष 2016 में एक हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें जोशी के खेत पर जो नौकर था, जो वहाँ खेत पे बनी टापरी में निवास करता था, उसकी 21/12/2016 को सुबह प्रातः 6 बजे लाश बरामद हुई थी। और प्राथमिक तौर पर जब उस लाश का निरीक्षण किया गया था तत्समय पुलिस के द्वारा, तो ये पाया गया था कि उसका सिर पत्थरों से कुचल करके उसकी हत्या की गई थी। उस समय तत्समय पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन ये अंधा कत्ल खुल नहीं पाया था। और इसमें वर्ष 2018 में खात्मा रिपोर्ट चली गई थी। अभी हमारे जिले में माननीय DIG मैडम रुचिवर्धन मिश्रा साहब और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार जिले में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो पुराने अंधे कत्ल के बंद फाइलें जो थी उन पर पुनः गहनता से छानबीन करके और उसमें ऑपरेशन उजागर के नाम पर एक मुहिम चल रही है। उसके तहत भी ये अपराध हमारे लिए एक चुनौती थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमने एक टीम का नेतृत्व किया और उसमें थाना प्रभारी जो बेठमा हैं श्री DPS चौहान और हमारे एडिशनल SP साहब ग्रामीण, उनके क्राइम स्क्वाड का जो दस्ता है उसको लगा करके हमने इस प्रकरण की गहनता छानबीन की। तो हमको ये मालूम पड़ा कि रंगवासा के दो लोगों के नाम मालूम पड़े कि इन लोगों का इसमें हाथ है। जब हमने उस सूचना को वेरीफाई किया और इन लोगों को ला करके जब हमने इनसे पूछताछ किया, तो इन्होंने वो जुर्म कबूल किया है और घटनाक्रम जो बताया है उसकी तस्दीक भी हो रही है। और घटनाक्रम इनके द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार ये पाया गया कि ये जो दोनों आरोपी हैं, दीपक राजपूत है एक तो वहीं ग्राम रंगवासा का और एक दूसरा है त्रिलोक कलौता समाज के हैं, ये दोनों व्यक्ति जो है घर बनाने का मिस्त्री का काम करते थे। ये जीवन सिंह नाम का व्यक्ति है ठेकेदार, उसके अंडर में काफ़ी सालों से ये मकान निर्माण का काम कर रहे हैं। और वो घटना के शाम को ये दोनों आरोपियों ने, दीपक और आपका त्रिलोक ने, जो मृतक था सरदार भील उसके साथ में बैठ करके इन लोगों ने खेत पे दारू पिया था। शराब पीने के दौरान ही इनके बीच में विवाद हुआ और उसमें सरदार ने दीपक राजपूत को गाली दे दिया था माँ की, जिससे अचानक ये आवेश में आकर के और इसने उसको धक्का दे दिया और उसके बाद उसका पत्थरों से दोनों ने मिल करके और सिर पर वार करके और उसकी हत्या कर दी थी। चूँकि घटना ये खेत में बनी टापरी में हुआ था और तीन के अलावा कोई व्यक्ति तीसरा वहाँ पर मौजूद नहीं था, इसलिए उस समय उसका खुलासा नहीं हो पाया और हत्या करने के बाद ये लोग जो है अपने अपने घरों में जाके सो गए थे, तो किसी को मालूम नहीं पड़ पाया। बाद में अब ये हत्या का खुलासा हुआ है और इनके विरुद्ध हम लोगों ने काफ़ी साक्ष्य एकत्रित कर लिया है और कुछ लोग ऐसे भी हमको मिल गए हैं जो घटना के दिनांक को
इन लोगों को उसके खेत की तरफ, सरदार भील के खेत की तरफ, जोशी के खेत की तरफ जाते हुए देखा गया था। और घटना के बाद इन लोगों ने जिन लोगों से कहा था कि हमसे ये गलती हो गई है, ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित कर लिया है, उनसे भी हमारी पूछताछ हो गई है। इसमें कुछ साक्षियों के हम न्यायालय में कथन भी करा रहे हैं और जितना संभव हो सकता है, क्योंकि प्रकरण काफ़ी पुराना है, 3 साल हो गए हैं, तो जो भी इनके विरुद्ध साक्ष्य हो सकती है हम एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 3 साल पुराने हत्या का एक खुलासा हुआ है और निश्चित रूप से थाना प्रभारी और इनकी टीम बधाई की पात्र है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था पूर्व में, अब वो इनाम भी टीम को मिलेगा और ये एक अच्छा काम हुआ है। और ये जो है आरोपियों को जो है, आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, आरोपी हमारी हिरासत में है और आगे की तफ्तीश हमारी जारी है। देपालपुर से दीपक सेन की रिपोर्ट।